पहले बोला था कि आगे क्लास लेना तभी समझ आएगा, मेरे को भी नहीं आता बनाना, ठीक है। तो तूने तो उस दिन क्लास में था तू, किस दिन जब मैंने वो पढ़ाया था मॉडल अप्रोच, वही तो बात है। अगले दिन मैंने क्वेश्चंस कराए थे तुम आए थे, ठीक है। तो आज थोड़ा पहले मॉडल अप्रोच रिवाइज कराते हैं, फिर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ जाते हैं। क्वेश्चंस करवा दिए, अब नहीं कराऊंगा मैं तुम्हें होमवर्क फिर से, ठीक है। जब तुम करके आओगे तब उसके बाद वो करना, ठीक है। मन नहीं करा मेरा, मैंने बोला मैं नहीं करा रहा वीडियो, ठीक है। तुम्हें भी तो कुछ नुकसान होना चाहिए, ठीक है। छुट्टी वाले बिन बताए, हाँ देखो बताया था, सिंपल सी बात है। सुनो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आपको पता भाई नया महीना स्टार्ट हो गया, मैंने बोला था नए महीने से नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पर आपने छुट्टी करी तो इस वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो भाई अगली बार कोई भी छुट्टी करेगा उसके लिए कुछ नहीं रुकेगा, वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। अगर बाय चांस कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया या मेरा मूड नहीं हुआ तो देख लो आपका ही नुकसान है, ठीक है। जब मेरा मूड वगैरह होता है मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आपके लिए करता हूँ, कल को आपको देख के अपना फिर से रिवाइज मार सकते हो उससे, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। तो भाई आपकी गलती होगी अगर मेरा मूड खराब हुआ या फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। तो अभी अगली बार से कोई छुट्टी करता है बिन बताए, ठीक है, ना उसे बैकअप मिलेगा ना मैं उसे बताऊंगा कुछ, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना जो भी करना। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब क्या, मैंने बोला यह है बेस है अकाउंट्स की, अकाउंट्स का क्या है ये बेस। कभी आपके मैंने बोला था कि आपके कोई भाई बंधु कोई हो पहले कॉमर्स में, तो बोल रहे होंगे कि भाई अकाउंट्स इज ऑल अबाउट डेबिट क्रेडिट, सब डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। शायद मीम्स वगैरह भी पढ़े होंगे तो बोलते होंगे ये डेबिट वो क्रेडिट, ठीक है। पर क्या डेबिट क्या क्रेडिट और ये डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है ये हमने सीखा था, ठीक है। सबसे पहले इस डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कुछ नहीं मतलब का कुछ नहीं होता, क्या सीन होता है देखो, क्या सीन होता है देखो, अकाउंट जो होती है ना अकाउंटेंसी, वो बेस है दो तीन चीजों में, और उसका एक बेस है क्या अकाउंट, क्या अकाउंट, ठीक है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट कुछ नहीं होता, ऐसी टी शर्ट का फॉर्मेट का क्या होता है, एक तरह का टी शर्ट का फॉर्मेट की चीज होती है, उसे क्या कहता है अकाउंट होती है। अब ये क्या होता है देखो, ये क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि जैसे हम कभी हिसाब बना रहे होते हैं, ठीक है, तो समझ लो यहाँ लिख रहे हैं सारी इनकम कहाँ कहाँ से पैसा आया, यहाँ लिख रहे हैं सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं पैसा कितना बचा। तो अकाउंट भी इसी तरीके है, लेफ्ट साइड भी कुछ लिखते हैं राइट साइड भी कुछ लिखते हैं, ठीक है। पर यह खाली हिसाब का अकाउंट नहीं बनाते, हर चीज का अकाउंट बनाते हैं। हर चीज का अकाउंट का मतलब है मान लो फर्नीचर है फोन है, ठीक है, हर चीज का क्या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, क्या उसका बैलेंस कुछ बच रहा है, हर चीज का। ये लेजर वाले चैप्टर में देखेंगे क्या क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला था डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का मतलब ना मैं सच बता रहा हूँ, आप किसी अभी बारहवीं वाले बंदे से पूछ लो, ठीक है, आधे बंदे को डेबिट क्रेडिट का मतलब नहीं बताओ, बंदे बोलेगा अरे डेबिट का मतलब तो डेबिट का मतलब कुछ नहीं होता, डेबिट का मतलब डेबिट होता है ऐसे होते, ठीक है, सच बता रहा हूँ। क्या कहते हैं जब मैं ट्वेल्थ में था आधे बंदे को नहीं पता था डेबिट क्रेडिट का मतलब, बोलेंगे डेबिट का मतलब डेबिट क्रेडिट का मतलब क्रेडिट, ठीक है, कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसे बोलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है। नहीं पता होगा भाई, पता रहा हूँ ना, नहीं मैं कह रहा इतना नहीं होता होगा बस, क्या नहीं पता होगा, मैं कह रहा हूँ इतना नहीं होता होगा बस कि लेफ्ट साइड राइट साइड, हाँ वही तो आप बता के रहे हो, बता के रहा हूँ मतलब आपने बोला डेबिट का मतलब बस इतना होता है लेफ्ट साइड, ऐसा ही होता है ना, डेबिट मतलब देना क्रेडिट मतलब लेना, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। अब वो तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, कन्वीनियंट अगर डेबिट बैलेंस है हमारा, डेबिट बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तुम दोनों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इन्होंने पढ़ रखा है, एक बार मैं खाली रिवाइज करा रहा हूँ ताकि तुम्हें भी एक आइडिया हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो डेबिट का मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है राइट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है, इतना ही मतलब होता है, पक्का कह रहा हूँ। तुम कभी आज मान लेना कि किसी बंदे से पूछ लेना, अगर होशियार बंदा होगा ना तो बता देना, देखो 80% बंदे को पता नहीं होगा, इतने गारंटी में देता, ठीक है। जो मेरे से बड़ा होगा उसे पता होगा ज्यादातर, ठीक है। अब कुछ नमूने भी निकल जाते हैं, ये बात बोलना कि भाई आइए आपसे बड़ा था इसको पता नहीं, ठीक है। तो भाई ये देखो, अगर मैंने कभी ऐसे बोले कोई चीज डेबिट हुई है, कोई चीज डेबिट हुई है, इसका मतलब पता क्या है, इसको लेफ्ट साइड भेजो, इसको कहाँ भेजो लेफ्ट साइड। जैसे कोई आता है ना बोलता मैं ये 17 नंबर गली 16 नंबर गली, किसी ने बोला मेरे को 17 नंबर गली में जाना है तो 17 भेजेंगे इधर वाली, और अगर किसी ने बोला 16 में जाना है तो 16 इधर वाली, तो दीज आर गलीज, ठीक है। अगर कुछ चीज डेबिट होगी, कुछ चीज डेबिट होगी तो किस साइड जाएगी,
लेफ्ट साइड, और कोई चीज क्रेडिट होगी तो किस साइड जाएगी, राइट साइड। ये हम असली में जो है होगा वो लेजर के टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी हमें क्या पढ़ना, अभी हमें पढ़ना है कि भाई जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्री में जो चीज डेबिट होती है वो कैसे होती है, क्रेडिट होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए ना दो अप्रोच है, एक तो भाई अपने पुरखों की सोच जो लंबे करते हुए हार्ड वर्क पे विश्वास रखते हैं, और एक हम क्या करते हैं स्मार्ट वर्क, हम क्या करते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है कि भाई हम देखते हैं कि आसान कैसे करी चीजें, वह हम क्या देखते हैं आसान कैसे करी चीजों को। तो भाई आसान करने की चीजें हम क्या कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, क्या कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। आप एक काम करना, ग्रुप पे ऐड करूंगा ना आपको, तो लिंक है, जाना चैनल पे, काफी सारी वीडियोज है, देख लेना एक एक करके, रोज एक वीडियो देख के आना स्टार्ट में, ठीक है। जैसे मॉडर्न अभी ये चल रहा है ना चैप्टर, पहले ये देख लेना, ठीक है। फिर जो भी मैंने डे वन डे टू अपलोड कर रहा है उस हिसाब से, या फिर मेरे से सिक्वेंस भी पूछ लेना, ठीक है। और मोहित भाई तुझे देख, मॉडर्न अप्रोच मैंने क्या बोला, मॉडर्न अप्रोच ने बोला कि भाई जितनी भी अकाउंट्स तुम जिंदगी भर में पढ़ोगे ना, जिंदगी भर में जितनी भी अकाउंट्स पढ़ोगे, हर चीज पांच एलिमेंट्स में डिवाइड होगी, हर चीज पांच एलिमेंट्स में डिवाइड होगी। जैसे साइंस में भी होता है ना, तीन एलिमेंट होते हैं, एयर वाटर और मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच ने क्या बोला भाई, पांच चीजों में डिवाइडेड है, क्या क्या भाई, सबसे पहली एसेट, सबसे पहली एसेट, ठीक है। सेकंड लायबिलिटी, ठीक है, इनका मतलब भी नहीं पता होगा आपको, इतना कोई नहीं देखता भाई, स्किप कर देते हैं बंदे। हाँ चलो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला कि भाई सबसे पहले क्या होता है एसेट, बोल देता हूँ लिखने के, वो ही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है एसेट, दूसरी क्या होती है लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, फिर रिवेन्यू इनकम, ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या होता है एक्सपेंस और लॉस। मैंने बोला था ऐसे याद करो, जो दो छोटी उंगलियां हैं वो क्या है, एसेट कैपिटल, एसेट लायबिलिटीज कैपिटल, इनकम रिवेन्यू, और लास्ट वाला क्या है एक्सपेंस, ठीक है। तो ये दोनों छोटी उंगलियां क्या है, इनके बैलेंस क्या है डेबिट, ठीक है, इनके बैलेंस क्या है डेबिट। अब ये बैलेंस क्यों याद कर रहे हैं हम, देखो उन्होंने ना, जिन्होंने मॉडर्न अप्रोच बनाई ना, उन्होंने बोला कि भाई ये पांच चीज है, और इनके हमने कुछ बैलेंस दे दिए, इनके हमने कुछ बैलेंस दे दिए, ठीक है। बैलेंस किस बात के लिए दिए, कि भाई बैलेंस इसलिए दिया, मान लो एसेट का बैलेंस है डेबिट, ठीक है। हमें एक एंट्री गिवन होगी कि फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हमें एक एंट्री गिवन होगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज करा कैश से, तो क्या क्या हुआ इसमें भाई, फर्नीचर आ गया हमारे पास और कैश चले गया, तो फर्नीचर बढ़ गया और कैश घट गया, ठीक है। फर्नीचर गया हमारा एसेट, कैश भी गया हमारी एसेट, पहली बात ये पहचाननी है, ठीक है। पहला चीज पहचानना कि भाई कौन सी चीज क्या है और कौन कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है, फिर दूसरा कि भाई कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज घट रही है, ठीक है भाई, दोनों एसेट है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, एसेट के बैलेंस डेबिट। बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, सेम चीज बढ़ेगा तो क्या करना पड़ेगा डेबिट, घटेगा तो क्या करना पड़ेगा उल्टी चीज, क्या क्रेडिट, ठीक है। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, उल्टी चीज मतलब क्या, उल्टी चीज मतलब उल्टा बैलेंस, डेबिट है हमें डिक्रीज करना है ना कोई चीज, तो क्रेडिट करो, अगर किसी चीज के बैलेंस क्रेडिट है और वो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, ठीक है। अगर इंक्रीज करना है तो उसी बैलेंस में उसी बैलेंस को जोड़ दो, मतलब डेबिट में डेबिट को जोड़ दो, ठीक है। अगर अपोजिट बैलेंस होगा ना तो हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर डेबिट इंक्रीज होगा तो हम डेबिट ही करेंगे, अगर देखो किसी चीज का बैलेंस डेबिट है जैसे एसेट, और एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो किसी भी चीज को इंक्रीज करना है तो उसमें उसका सेम बैलेंस ऐड करना होगा, मतलब डेबिट में डेबिट ऐड, ठीक है। और अगर कोई चीज क्रेडिट है जैसे लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी का क्रेडिट और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज करने के लिए आप डेबिट करेंगे ना तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस याद होना चाहिए, बैलेंस क्या है, तो मैंने तभी बोला कि दो के बैलेंस डेबिट है, बाकी के तीन के बैलेंस क्रेडिट है, बात समझे भाई, कहाँ रहता है अपने उसमें, ठीक है। चिंता मत कर, वापसी आ जाएगी, उल्टा उल्टा करेंगे, बताया तो डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होते। मान लो मैंने बोला कोई चीज डेबिट हो रही है, ठीक है, मैंने बोला एसेट डेबिट हो रहा है, वो जाएगा लेफ्ट साइड, वही तो बोला
वो डेबिट हो रहा है, डेबिट एक वर्ड है ठीक है, कोई चीज डेबिट हो रही है, कोई चीज डेबिट हो रही है, डेबिट एंड क्रेडिट आर बैलेंसेस ठीक है, बैलेंसेस या फिर मैं साइड्स कह रहा हूं ठीक है, एक लेफ्ट साइड का बैलेंस एक राइट साइड का बैलेंस। जब दोनों चीज इंक्रीज होती है तो क्या होता है, दोनों चीज माइनस होती है, मतलब बताया था हमने वीडियो में कि मतलब अगर डेबिट इंक्रीज हो रहा है एक चीज होगी ऐसे, नहीं डेबिट इंक्रीज हो रहा तो कुछ बताया था भूल गया भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, पगला गए हो ठीक है, सो हो गया कंफ्यूज, कहां था आपने, कहां था फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, अच्छा ये फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, मैंने क्या बोला, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, फर्नीचर खरीदा और एक तरह का क्रेडिटर भी आ गया उधार, दोनों चीज इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, सेम बैलेंस यानी डेबिट, ये क्या बोलते हैं एसेट के बैलेंस डेबिट, ये तो भाई ये बैलेंस याद कराए तो है, ये मैंने बोला नहीं ये पांच चीजें, पांच ही चीजों का बैलेंस है, एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट, ये पता रखा है मॉरल अप्रोच, भी आप बोल देते हैं मतलब किसी चीज को अगर इंक्रीज करना तो उसमें सेम वही मतलब प्लस करते हैं, तो भाई उसका बैलेंस याद करोगे तभी तो सेम चीज प्लस करोगे, वरना क्या करोगे, एसेट और एक्सपेंस के डेबिट, डेबिट और तीनों के क्रेडिट, अगर तुम इनका बैलेंस याद करोगे तभी तो उसमें सेम चीज प्लस करोगे, अब तुम्हें पता ही नहीं होगा इनके बैलेंसेस क्या है तो भाई इसमें कौन सी सेम चीज करोगे, बात समझ आई, पहले करो, पहले पांच आइटम होते हैं, पांच आइटम में जो डिवाइडेड है वो क्या है भाई, एसेट के बैलेंस डेबिट, बैलेंसेस याद करो, बैलेंसेस याद करके क्या होगा, बैलेंसेस याद करके ये होगा कि अगर भाई चीज इंक्रीज हो रही होगी ना, एसेट इंक्रीज हो रहा होगा तो एसेट के बैलेंस है डेबिट ठीक है, हमें पता है एसेट के बैलेंस क्या है डेबिट, तो इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, उसी के सेम बैलेंस में एड करना पड़ेगा ठीक है, सेम बैलेंस डेबिट, डेबिट इज इक्वल टू इंक्रीज, लिखवा दो ठीक है, तो भाई ये तो लिखवाया पढ़वाया भी था तुम्हें, बुक में पढ़वाया नहीं था, देखो डेबिट इंक्रीज वो फॉर्मूले का लाइन लिखी हुई, लिखवाना नहीं है, समझो इसे भाई, मैंने क्या बोला था फिर से समझाता हूँ, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, पांच चीजों में डिवाइडेड है, पांच चीजें पता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सबके बैलेंसेज दे रखे हैं, किसी के बैलेंस डेबिट है, किसी के बैलेंस क्रेडिट है, किसी के बैलेंस डेबिट है, किसी के बैलेंस क्रेडिट है ठीक है, किसके बैलेंस डेबिट है, किसके क्रेडिट है, एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट है ठीक है, बाकी सबके क्रेडिट, एसेट और किसके एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस है डेबिट, एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस है डेबिट, और बाकी तीनों के क्रेडिट, भैया ये बैलेंस क्यों याद कर रहे हैं हम, इसीलिए याद कर रहे हैं कि पहले अगर हमने कोई चीज आइडेंटिफाई करी, हमने देखा ये एसेट है ठीक है, या लायबिलिटी है, या कैपिटल है, कुछ भी है ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा इस चीज के बैलेंस क्या है ठीक है, बैलेंस पता चल गया, फिर हमें देखना वो बढ़ रही है या घट रही है, अगर देखो बढ़ रही होगी तो कोई भी चीज हम बढ़ाते कैसे है, डेबिट डेबिट में डेबिट प्लस करके, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस करके, मतलब सेम बैलेंस को सेम बैलेंस से अगर मिलाएंगे तो वो इंक्रीज होगा, मुझे सेम बैलेंस को सेम बैलेंस से मिलाएंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज, याद करो यार अपने तो टेंथ में पढ़ रहे हैं, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ना, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, किसी भी चीज को किसी भी आइकन को उसके अपोजिट एंगल से मिलाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ठीक है, और देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ठीक है, देखो ये मान के चलो डेबिट है, डेबिट डेबिट क्या हुआ, इंक्रीज, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, डिक्रीज, डिक्रीज हुआ क्रेडिट, हुआ क्रेडिट मतलब ये नहीं है डिक्रीज हुआ ठीक है, बट क्या हुआ उसको उल्टा इफेक्ट हुआ, मतलब वो डिक्रीज हो गया ठीक है, किसी चीज का बैलेंस डेबिट है और अगर उसमें डेबिट ही करा, किसी चीज का बैलेंस डेबिट है उसमें डेबिट ही करा तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, एग्जाम्पल बताया तो कि भाई फर्नीचर परचेज इन कैश, फर्नीचर परचेज कराया कैश में, कैश चले गया, कैश चले गया और फर्नीचर बढ़ गया, सही कह रहा हूँ, तो फर्नीचर हमारी एसेट है, दो चीजें मैंने बोला ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से, दो चीजें इसमें हो रही है, फर्नीचर हमारा एसेट है, कैश भी हमारी एक एसेट है ठीक है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, फर्नीचर के बैलेंस डेबिट, फर्नीचर को बढ़ाना है, फर्नीचर को बढ़ाना है तो उसमें सेम चीज ऐड करनी पड़ेगी, डेट इज डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश क्या हमारी एसेट है, कैश भी एसेट है ना हमारी, वो घट रही है तो भाई उसके बैलेंस भी डेबिट है, घटाने तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा बैलेंस प्लस करना पड़ेगा, दैट इज क्रेडिट, दैट इज क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो कल मैंने एंट्रियां बनाना भी सिखाई थी, देखो एंट्री कैसे होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मैंने बताया ना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बात समझाइए, टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री बोला मैंने, ये एंट्री बोला, इसका मतलब पता है क्या, तुम देख भी सकते हो, फर्नीचर हमारा एक एसेट है, फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, टू कैश अकाउंट, कैश भी एसेट है, क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है कैश ठीक है, तो कैश जा रहा है, तो एंट्री से आप मतलब पढ़ सकते हो उसका ठीक है, अगर आपको ट्रांजेक्शन लेना दिया हो ना, कभी कभी ऐसा भी आता है पता है, आपको दे देगा
एंट्री बोलेगा भाई नरेशन लिखो, नरेशन मतलब उसकी ट्रांजेक्शन क्या हुई थी वो लिखो। तो भाई अगर तुम पढ़ना नहीं सीखोगे तो कैसे करोगे? जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात, किसी भी चीज़ को अगर इंक्रीज करना है तो उसके सेम बैलेंस ऐड करने पड़ते हैं। देखो यहाँ प्लस में प्लस ऐड करा तो क्या आया, इंक्रीज हुआ, माइनस में माइनस हुआ तो वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, सीख रहा जा रहे हैं। तो भाई ये वही है, अगर डेबिट को इंक्रीज करना है तो उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और अगर किसी बैलेंस, किसी चीज के बैलेंस डेबिट है उसे डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा बैलेंस, दैट इज क्रेडिट, ठीक है, बात समझ आई? ठीक है, थोड़ा भाई आप देख के चलो, ये तो रिवाइज वाइज करना चाहिए, तो बहुत मेन है, ठीक है। आप बताओ समझ आया कि नहीं आया? आप पाँचों से पूछ रहा, आप दोनों को तो आया नहीं होगा, ठीक है, उड़ रहा होगा ऊपर से, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज ये क्या हो गया, फर्नीचर टू कैश हो गया, ठीक है। फर्नीचर टू कैश के बाद क्या है, एक एंट्री हो गई। अब दूसरी चीज ये देखो, एक और एंट्री कराता हूँ। मैंने बोला था फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, नाम ले लिया, तो भाई ये क्या है, उधारी, ये क्या है, उधारी, ठीक है। तो भाई इसमें देखो दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, एक फर्नीचर और एक श्याम, एक फर्नीचर और एक श्याम। फर्नीचर हमारा एसेट है, श्याम हमारी क्या है, लाइब्रेरी, श्याम हमारी क्या है, लाइब्रेरी। फर्नीचर एसेट है तो एसेट के बैलेंस डेबिट, फर्नीचर भी इंक्रीज हो रहा है और भाई लाइब्रेरी भी इंक्रीज हो रही है, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा? अकाउंटिंग इक्वेशन से इफेक्ट देखो, प्लस कर देते ना दोनों साइड, तो दोनों साइड क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। तो भैया एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट के बैलेंस डेबिट, इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना है, डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज करना है तो सेम बैलेंस ऐड करना पड़ेगा, दैट इज डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और दूसरी चीज क्या है, क्रेडिटर, श्याम, श्याम भी क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट। इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम बैलेंस, अच्छा इंक्रीज में सेम बैलेंस, ठीक है। तो क्रेडिट है, सेम बैलेंस ऐड करना है तो मतलब क्रेडिट ही करना पड़ेगा। अगर डेबिट कर दिया तो क्या होगा, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है, बात समझ आई, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा रिवाइज करके आते ना, थोड़ा उस टाइम पढ़ लेते और होमवर्क करके आते तो समझ आता, ठीक है। दोनों को तो अच्छी तरह आ गया, कोई दिक्कत आई? देखो उस दिन मैंने क्वेश्चन और करा दिए जो हो गए, डबल तीन लग गए, अपना भाई तो सोच में ही रहता है। है भाई, भाई बोल रहा पढ़ा लो चुपचाप, फालतू बोल लो है भाई, निशान भाई सॉरी भाई डोलो आप, हाँ देखो ऐसे नहीं बोला, और खतरनाक बोला था, गाली वाली तो नहीं दिखता है, मास्क लगा के देख लो, देख लो तुम्हें, तेरा भी झंडा आ गया है, आ गया, आ गया पक्का, ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए, ठीक है, पता है यार फालतू बोल रहा, ठीक है। देखो मैंने मॉडर्न अप्रोच पढ़ा दी, मॉडर्न अप्रोच फिर से एक बार रिवाइज करते हैं भैया। मॉडर्न अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच कुछ नहीं है, पांच चीजें में हर चीज डिवाइडेड है, ठीक है। पांच चीजें कौन कौन सी है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू, रिवेन्यू के साथ इनकम भी आ जाता है और प्रॉफिट भी आ जाता है, ठीक है। और साथ में लास्ट में क्या होता है, एक्सपेंसिस और लॉस, एक्सपेंसिस और लॉस भी एक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एक्सपेंस हुआ लॉस हुआ दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, एक्सपेंस लॉस और एसेट तीनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और बाकी सबके क्या होते हैं, क्रेडिट, बाकी सबके क्या होते हैं, क्रेडिट। भैया ये बैलेंसेस क्यों याद कर रहे हैं हम, चीजें क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि भैया कोई भी चीज के पहले हमें बैलेंस देखने पड़ेंगे, अगर वो इंक्रीज हो रही होगी तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही होगी तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देखो भाई होमवर्क जिसने नहीं करा ना उसको इलस्ट्रेशन वन, कौन कौन सी इलस्ट्रेशन थी, 4-5 देखना, 4-5 क्लास में कराई थी, 6 होमवर्क में थी, 4-5-6 भाई, 4-5-6 करके लिया ना, ठीक है ना, 4-5-6 करके लिया ना, समझ आ जाएगा पक्का। आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है भाई, यूट्यूब में सारी वीडियो अपलोड है, देख लियो, ठीक है, देख लियो बैठ के, आज जाएगा जैसे आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो आज देख ली, ठीक है। कल छुट्टी रहती है हमारी, कल देख ली, परसों क्लास है, दो वीडियो तुम देख के आओ, या क्लास से पहले एक और वीडियो देख ली, ठीक है। थोड़ा भाई सिलेबस कवर करना, मैंने इसलिए भी रिकॉर्ड करी है ताकि जो नया बच्चा है उसके लिए क्या करना भाई, रिवीजन हो, ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा पीछा वैसे ही चल रहा है। कम से कम अभी हम होने चाहिए थे कैश बुक में, ठीक है, अभी हम जनरल बैग आएंगे, दो चैप्टर पीछे चल रहे, एक चैप्टर समझ लो, तो चैप्टर ही छठा में चल रहा हूँ, बोलते रहा हूँ छठा खत्म हो जाएगा, पाँचवें तक कम्प्लीट, ठीक है। चुनियाल भाई इसके घर नहीं गए उस दिन, बेटा मैं कल घर चले, इसके उधर चले गया, तब मैंने बात कर ली, वरना आज भी नहीं आता है, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ देखो
मैंने क्या बोला, देखो आप, हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच है कॉन्सेप्ट बनाने वाले, ट्रेडिशनल अप्रोच है कॉन्सेप्ट बनाने वाले। ध्यान से सुनना ठीक है यार, इनको ज्यादा बेहतर रहता है, पर गाढ़ा गाढ़ा लिखने की कोशिश करता हूँ ठीक है। देखो ये तो हमने लिखा हुआ था, करा हुआ था, आप देखो एक चीज देखना है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है बताए? ट्रेडिशनल अप्रोच ये नहीं कहती कि चीजों में डिवाइडेड है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है हमने अपने गोल्डन रूल्स बनाए हैं। आपने क्या करें, गोल्डन रूल्स बनाए हैं ठीक है। अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स आपके जिंदगी भर साथ चले, अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, थोड़ा स्कूल में पढ़ाई है डेबिट व्हाट कम्स इन, स्कूल में नाम बोलते हैं, स्कूल में ये सब क्या है, ये सब है गोल्डन रूल्स, ये सब क्या है गोल्डन रूल्स। अब ये गोल्डन रूल्स लगते ही किसमें है ठीक है, इनकी भी अलग अलग वैरायटी होती है, लगते किसमें है वो हम सब देखेंगे ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो, वैसे तो देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कोई पढ़ाता नहीं है, मैंने आपको बताया ठीक है। स्कूल वाले क्या भाई, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत है, पेपर वेपर मत देखो जिंदगी भर, जब तक कॉमर्स में हो ना तब तक चलता रहेगा ठीक है। कभी भी कोई दिक्कत आई ना मॉडर्न अप्रोच में, बंदे कहाँ जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच भूल गए, जब भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है पापा के पास जाते हैं ठीक है, सही कह रहा हूँ ना। देखो सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी बात क्या है कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच जो है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, उसमें कुछ अपने गोल्डन रूल बना रहे हैं। तीन गोल्डन रूल होते हैं अकाउंट्स में ठीक है। अगर तुम्हें पढ़ के बताऊं तो डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और लास्ट होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये सबसे फेवरेट होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ठीक है। जो रिसीव कर रहा है डेबिट करो, जो दे रहा है क्या करो क्रेडिट ठीक है। आपसे थोड़ा सा तुम्हें क्लियर सा लग रहा होगा भाई, देने वाले को डेबिट, लेने वाले को क्रेडिट। डेबिट वर्ड कम्स इन, जो अंदर आया उसको डेबिट, जो बाहर गया उसे क्रेडिट। जैसे फर्नीचर अंदर आया तो डेबिट, कैश बाहर चले तो क्रेडिट। पर अब हमें ये देखना है कि भाई ये किस किस आइटम पे लगेंगे ये तीनों रूल्स। आप तो बोलो भैया तीनों रूल्स लग रहे, लगाने कौन से है? तो भैया अलग अलग आइटम डिसाइड कर, कैश जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट कैश में। रुक जा तुम, चुप रहो भैया। अबे भाई कैश जा रहा है क्या मतलब, कैश नहीं क्रेडिट बोलेंगे, क्रेडिट बोलेंगे डेबिट बोलेंगे। अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, रुक जाओ मैं बोलता रहा हूँ, अभी तुम इतना तेज मत चला करो ठीक है। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई सिंपल सी बात है, जो तीन गोल्डन रूल है लगेंगे कैसे ठीक है। देखो पहले तो मैंने बोला भाई बंदे मॉडर्न अप्रोच को पढ़ा के साइड कर देता है, क्योंकि अकाउंट्स आप पढ़ लोगे उसमें ठीक है। फिर थोड़ा बहुत कभी कभार क्या होता है, ट्यूशन वाले पढ़ा देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, पर वो पता क्या करते हैं, पूरी नहीं पढ़ाते, हम आपको पूरी पढ़ाएंगे ठीक है ना, जो आपको जिंदगी भर काम आएगी। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है ना वो बोलते हैं हम दो चीजों में डिवाइडेड है, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल बोल लो अकाउंट किस किस में, पर्सनल और इम्पर्सनल ठीक है। जो बंदे क्या करते हैं, देखो पर्सनल पढ़ाते हैं, इम्पर्सनल पढ़ाते हैं, और बोलते हैं इम्पर्सनल के भी दो पार्ट होते हैं, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के तीन है, सॉरी मान जाओ ठीक है ना, कैसे अपना ब्लॉक कर दिया ठीक है भाई, सही चीजें बना दिया भाई, मिल्स बढ़िया से आते हैं ठीक है। इधर देखो मैंने क्या बोला, एक पर्सनल होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, और एक इम्पर्सनल होता है ठीक है। जो टीचर पढ़ाते हैं ना, टीचर थोड़ा हो जाते हैं बोलते हैं पर्सनल ऐसे होता है ठीक है, और इम्पर्सनल का एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। पर्सनल के नहीं बताते, और तीन होते हैं ठीक है। कोई बंदा पूछ लेता है तो पता क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है, बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भाई सब इंपॉर्टेंट है, पहले बताते हो चलो ठीक है। अकाउंट्स में कुछ है तो भाई वो इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब इधर देखना, पर्सनल के भी तीन पार्ट होते हैं, एक तो भूल गया मैं, हाँ याद आ गया, एक नेचुरल होता है, नेचुरल हमेशा भूल जाता हूँ, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का एग्जांपल आपको इतना समझ नहीं आएगा ठीक है, पर मैं ट्राई करूंगा समझाने की। रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल 12th में बहुत है ठीक है, पर 11th में नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में बता देना जरा, रिप्रेजेंटेटिव या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये हमारी जगह, ये क्या है हमारी जगह बोल रहा है, ये बता रहा है। जैसे जैसे कभी मैं स्पीच दे रहा हूँ ठीक है,
मैंने बोला अपने भाई स्वप्निल भाई के 90 मार्क्स आए हैं, तो आज हम स्वप्निल भाई जो हमारे पुराने स्कूल के टॉपर है उन्हें बुला रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उनके बारे में, सही कह रहा हूँ ना। मैंने बोला बहुत बढ़िया लड़का है, ठीक है शांत नहीं लाने का, मेरे आएंगे क्या, मेरे नहीं आएंगे, ठीक है भाई आएंगे, जरूर आएंगे, पढ़े हुए अच्छे से आएंगे, ठीक है। मैं बोल रहा बहुत अच्छा लड़का है, इसने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करी है, ठीक है, कोई मोह माया नहीं रखी अपना, बढ़िया से पढ़ाई करी है, ठीक है, होमवर्क टाइम से करके लाता था। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ इसके बारे में बता रहा हूँ, तो ये क्या है रिप्रेजेंट। डायरेक्ट मैं इसमें क्यों पहुंच गया, क्योंकि पता क्या होता है इलेवंथ के टाइम पे मेरे को भी ये समझ में नहीं आया था, ठीक है, इलेवंथ के टाइम पे रट लिया था मैंने, फिर ट्वेल्थ में समझ आया। ट्वेल्थ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी एग्जाम्पल देते हुए नहीं चलूंगा, क्यों, क्योंकि भाई ट्वेल्थ में जब आएंगे ना तब मैं आपको खुद बताऊंगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन लगाऊंगी, ठीक है। कभी भी आप कभी सी ए में जाओगे ना, सी ए में जो पहला पार्ट होता है ना उसमें बड़ी दिक्कत होती है, उस पर पूछ लेता है एमसीक्यू में, ठीक है, बताओ कौन से अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच नेचर क्या है अकाउंट का, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच नेचर क्या है अकाउंट का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये जो छह आइटम दिख रहे हैं ना, पांच आइटम, इन पांच आइटम में से बताओ क्या है, ठीक है भाई। रियल नॉमिनल आसान है, बंदे को रिप्रेजेंटेटिव नेचुरल और आर्टिफिशियल पता ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि बंदे बोलते हैं भाई पर्सनल होता है खाली, और अभी बताऊंगा क्यों, ठीक है। मैंने क्या बोला था, कुछ सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, दो चीजों में डिवाइडेड है, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल, ठीक है। इम्पर्सनल क्या होता है, दो पार्ट, रियल नॉमिनल, नाम नाम बताया अभी कुछ, मैंने मतलब नहीं बताया तो कोई मतलब मैं समझने लग जाना, ठीक है, रियल नॉमिनल। और क्या होता है पर्सनल, मैंने बोला पर्सनल वैसे कोई बताता नहीं पर हम बताएंगे, तो पर्सनल क्या पार्ट होते हैं, पर्सनल क्या होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेटिव के तरफ गया, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कोई भी अकाउंट, ठीक है। अब पता क्या होता है इसमें हमें चुनने के लिए क्या मिलता है, ध्यान से देखना, कभी भी जैसे मैंने बोला फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, मैंने बोला फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, जो क्रेडिटर अकाउंट है बताओ इनमें से नेचर क्या है उसका, ये होता है, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट है उसका नेचर क्या है इसमें से, ठीक है। अगर आपको एक बार पता चल गया ना, आपने बोला वो नेचुरल है, आपने बोला वो नेचुरल है, नेचुरल किसका पार्ट है, पर्सनल का, इसका एक गोल्डन रूल है वो लगा दो, अभी समझाते रुको रुको, ठीक है, समझ नहीं आया आपने अमाउंट बाबू का, समझ नहीं आ रहा फिर समझ, ठीक है, समझाएंगे फिर समझाएंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। मैंने क्या बोला पर्सनल है, पर्सनल के तीन पार्ट है, पहले मतलब समझते हुए चलते फिर गोल्डन रूल भी बताएंगे, ठीक है। पहला है नेचुरल, नेचुरल मतलब इंसान, कभी भी आपको इंसान का नाम बोलते हैं ना, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, ठीक है, श्याम इंसान का नाम आ गया, श्याम क्या है यहाँ पे, श्याम क्या है, श्याम क्या है, क्रिएटर तो है, नाम तो आ गया ना, जहाँ इंसान का नाम आ गया ना, अच्छा हो मेरा फोन आया, अच्छा यार जिम ऐसे क्या हो गया भाई। देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात, मैंने बोला देखो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पांच कैटेगरी में चीजें डिवाइडेड नहीं होती। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ना वो पहले बोलते थे अच्छा नाम है तेरा, ठीक है, पहले क्या होता था भाई, नाम में चीजें होती थी, आर्टिफिशियल होती थी चीजें, बताऊंगा, रिप्रेजेंटेटिव, रियल, नॉमिनल, ऐसी चीजों में होते थे, बोलते थे भाई पर्सनल होता है और एक इम्पर्सनल होता है, पर्सनल होता है, पर्सनल के तीन पार्ट होते हैं, इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं, रियल और नॉमिनल, ठीक है। रूल बनाए थे गोल्डन रूल, उनके अकॉर्डिंग गोल्डन रूल अभी बताऊंगा, पहले मैं मतलब समझ लो भैया, पर्सनल मतलब जिसके भी कभी भी नाम आ जाए ना एंट्री में, कभी भी कोई ट्रांजेक्शन दिया उसमें कोई नाम आ जाए तो वो कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट का नेचुरल, पर्सनल अकाउंट का नेचुरल, ठीक है, उसको बोल देंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल बहुत कम आया, कोई नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि भाई साफ आ जाता है कि नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, इसे गोल्डन रूल नहीं होता नेचुरल, क्या परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, श्याम तो निकल लिया अपना, ठीक है भाई, देखना है ये देखेंगे, अभी एंट्री भी करेंगे ना उसकी टेंशन मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोई क्लास व्लास तो नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बताना, देखो आर्टिफिशियल और नेचुरल ना एकदम थोड़ा सेम सेम है, ठीक है। नेचुरल मतलब किसी नेचुरल बंदे से डील कर रहे हैं, नेचुरल मतलब किसी नेचुरल बंदे से डील कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल मतलब भाई किसी कंपनी से डील कर रहे हैं, किसी कंपनी से, मैं रिलायंस से डील कर रहा हूँ, रिलायंस से अंबानी के बच्चे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, क्या कंपनी में किसी बंदे से डील करेंगे,
बंदे से डील नहीं करते, जब भी डील हो रही होती है ना कंपनी और किसी दूसरे के बीच, ठीक है, तो भाई कंपनी के नाम से हो रही होती है, कभी भी उस बंदे के नाम से नहीं होती। ये तुम पढ़ गए 12th में, ठीक है क्या? अब तुम ये मत बोलना कि हर चीजें 12th में बोल देते हो। मैंने क्या बोला, देखो जो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसको ना लॉ ने, जिसको लॉ मतलब क्या होता है, जो इंडिया का लॉ है उसने अधिकार दे रखे हैं कि भाई तुम अपने नाम से सारी चीजें चला रखे, ठीक है। कभी भी बताओ जियो प्रॉब्लम, जियो की सिम में प्रॉब्लम हुई, अंबानी का फोन लगाओगे, रिलायंस के कस्टमर केयर पे फोन लगाओ, या अंबानी के कस्टमर केयर पे फोन लगाओगे, भाई अंबानी का कोई कस्टमर केयर नहीं है, रिलायंस के कस्टमर केयर पे फोन लगाओगे, ठीक है। सिम कौन सी चला रहे हो रिलायंस की, ठीक है। मान लो तुम्हारा डाटा चोरी हो रहा है रिलायंस के, उससे कि भाई तुम जो बाबू शर्मा से बात करो सीधा वहीं जाने, ठीक है, तो भाई क्या होगा, किस पे केस करोगे, रिलायंस पे केस करोगे, कभी भी अंबानी पे केस नहीं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। लॉ ने क्या कर रखी है, अलग दे रखी है उसको पहचान, ठीक है। रिलायंस क्या कर सकता है, अपने नाम से जमीन भी खरीद सकता है, लोगों को सैलरियां भी दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, एग्रीमेंट पे साइन कर सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। जो नेचुरल पर्सन में क्या आएंगे, जो नेचुरल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आएंगे, जिनकी लॉ ने वैल्यू कर रखी है, जैसे कि कंपनी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो रजिस्टर्ड अलग अलग LLPs होती हैं, जो एग्रीमेंट में साइन करेंगे तो रिलायंस के नाम से करेंगे, स्टैंप लगती है उनकी, ठीक है। और ऊपर से दो साइन भी होते हैं अलग से, जैसे विटनेस की तरह होते हैं ना, वो डायरेक्टर करते हैं, उस पर डायरेक्टर का सिग्नल, ठीक है। अभी उसमें डीप घुसने की जरूरत नहीं है। अब देखो लास्ट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का एग्जांपल मैं अभी नहीं देना चाहूंगा, 12th में दूंगा सीधा, अगर तुम एक बार पढ़ते हो तो, ठीक है। एक तरह का वो मैंने क्या बोला, देखो रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कोई भी चीज, देखो चलो आसान एग्जांपल दे दूंगा याद आ गया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि भाई कोई चीज किसी को रिप्रेजेंट करनी है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने स्वप्निल भाई को, ठीक है। वैसी वैसी जो शेयर कैपिटल होती है, बट शेयर कैपिटल पता है, जो भी जैसे मैंने ना कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, मैंने कंपनी क्या खरीद रखे हैं, शेयर खरीद रखे हैं, तो मैं क्या हूँ, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है पता है क्या, मैं उसका मालिक। शेयर कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं उस कंपनी का मालिक। नॉर्मल कैपिटल भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होती है, जो हम कैपिटल पढ़ते हैं ना इसमें, कैपिटल जो अभी हमने पढ़ी आज तक, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आती है। ये क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे सीए पे, क्या जो कैपिटल होती है बताओ कौन सा अकाउंट होती है, तो भाई किसी को पता नहीं था, मेरे को पता था रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो सिंपल सी बात है, अभी सिखाऊंगा कैपिटल इसमें कैसे है, ठीक है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड भी सिखाऊंगा, मान लो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा क्या है, ठीक है, एलिमिनेट करो चीज। कैपिटल भाई, कैपिटल कोई नाम है, कोई नाम है नेचुरल बेटा, कैपिटल कोई बंद वो है, आर्टिफिशियल है नहीं भाई, आर्टिफिशियल भी कोई नहीं है, आर्टिफिशियल होती है कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसे भी काटो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखते। अभी रियल का मतलब समझाते हैं, फिर आते हैं एलिमिनेशन में। रियल का मतलब जो भी एसेट होती है ना, जो भी एसेट्स सारे रियल में आते हैं, जो भी एसेट्स होते हैं, एसेट पता है सारी, पता है सारी रियल में। नॉमिनल का मतलब पता है क्या होता है, जो भी एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस, सारी सारी